हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उसे टेक्निकल चीजें शेयर कर सकूं, जैसा कि कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूजर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक अपने ब्लॉग में ये लेकर आया हूँ। आज मस्ती भी करेंगे और मैं आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता हूँ, पोस्ट डिजाइन हो गया। तो अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताए कि आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। और दोस्तों, मुझे आप लोगों की ईमेल आ रही थी कई दिन से कि सर आप बताइए कि हम अपने यूट्यूब पर कस्टम यूआरएल कैसे चेंज करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे लैपटॉप में। हेलो गाइस, तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ज़ील फॉरएवर का डैशबोर्ड मैंने यहाँ खोला है, जो कि मेरी आईडी ज़ील फॉरएवर आईडी से मैंने इसको मैनेज किया है। तो चलते हैं। ये मेरा ज़ील फॉरएवर का लोगो है और मेरे 1.13 के सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपको आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि कुछ लोगों को नहीं पता। तो जो भी बिगनर्स हैं, मैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो चैनल कस्टमाइजेशन में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आप लेआउट में आते हैं। लेआउट में यहाँ वीडियो स्पॉटलाइट में आपको यहाँ पे आपकी फीचर वीडियो आप देख सकते हो। तो चलते हैं सबसे लेफ्ट साइड पे, ऊपर लोगो आप देख रहे हैं, उसके नीचे योर चैनल और देन डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी वीडियो की लास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितने व्यूज़, रैंक बाय व्यूज़, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन आप यहाँ देख सकते हैं, और करंटली कितने आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी देख सकते हैं। कंटेंट में चलते हैं ऐसे ही हम। कंटेंट में जो भी आपके वीडियो पब्लिकली लाइव है, रिस्ट्रिक्शन और किस डेट को वो अपलोड की गई है, वो सब आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं अपनी अपलोड वीडियो की, कितने व्यूज़ है, कितने कमेंट्स हैं और कितने लाइक्स वर्सेस डिसलाइक्स हैं। अब हम चलते हैं प्लेलिस्ट में। दोस्तों, आप अपनी वीडियो की कैटेगरी के हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट को मैनेज बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो आप उसमें अपने म्यूज़िक के सारे व्लॉग या वीडियो ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आप यहाँ पे चैनल के एनालिटिक्स देख सकते हो, जिसमें कि ओवरव्यू कि आपकी वीडियो पे कितने ओवरऑल मंथ वाइज व्यूज़ आए हैं, वॉच टाइम आया और सब्सक्राइब आए हैं। चलते हैं रीच में। बेसिकली रीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी अपनी वीडियो के इम्प्रेशन और वॉच टाइम देख सकते हैं। ऑल ओवर कि आपका सोर्स कहाँ से सजेस्ट हुआ है, किस वीडियो पे कितना रैंक है। चलते हैं हम कमेंट्स की तरफ। तो दोस्तों, जो भी आपकी वीडियो पे कोई भी कैसा भी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट आएगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहीं पे देख के आप अपने यूजर को उसके कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हो। अब जाते हैं हम सब टाइटल्स पे। तो बेसिकली दोस्तों, जो भी आपकी वीडियो की टाइटल होगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तो आप अपना सब टाइटल अपलोड करके आप अपनी वीडियो पे वो टाइटल सब टाइटल दिखा सकते हैं। कॉपीराइट, अगर दोस्तों आपके चैनल पे किसी तरह का भी कोई कॉपीराइट क्लेम होगा, तो आप यहां से उसको व्यू कर सकते हैं और उस कॉपीराइट क्लेम को आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, मोनेटाइजेशन, दोस्तों आपके सब्सक्राइब कितने हैं या आपके कितने वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो सब कुछ अपने मोनेटाइजेशन पे देख सकते हैं, और यहीं से आपका मोनेटाइजेशन अनेबल भी होगा गूगल एडवर्ट के थ्रू। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मेरा पेज, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब। तो दोस्तों, ये ब्रांडिंग ऑप्शन है, आप अपनी प्रोफाइल की पिक्चर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब का हेडर बैनर चेंज कर सकते हैं, और डिस्प्ले टाइम में लोगो या आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अपनी वीडियो पे दिखाने के लिए। तो ये सब आप चैनल कस्टमाइजेशन में देख सकते हो, और बेसिक इन्फो भी यहाँ पर एक बटन ऑप्शन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे बेसिक इन्फो की तरफ। तो यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, आपकी बिजनेस इंक्वायरी ईमेल आईडी कौन सी है। डिस्क्लेमर भी आप डाल सकते हो उस पर, अगर आप चाहो तो डिस्क्लेमर से भी जो। तो दोस्तों, चलते हैं अपने चैनल यूआरएल पे, जहाँ से आप कस्टम यूआरएल चेंज कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक यूट्यूब ने हमें चैनल लिंक प्रोवाइड किया है,
तो अब हम यहाँ से सेट सेट अ कस्टम यूआरएल चैनल पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हम कस्टम यूआरएल बना सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं आपको, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब यूआरएल सजेस्ट करता है, और एक कस्टम यूआरएल, जो भी आप अपने यूआरएल का नाम देना चाहो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आप इसके बाद कस्टम यूआरएल बनाओगे तो वो कस्टम यूआरएल आपका लाइफ टाइम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप सोच समझ के अपना यूआरएल, अपने यूआरएल का नेम सजेस्ट कीजिए दोस्तों। तो जैसे कि मैं यूट्यूब के साथ एग्री हूँ और इन्हीं का ही मैं यूआरएल यूज़ करना चाहूँगा। जील फ्लावर मेरे ब्रांड का नेम है, मेरे लोगो का नेम है, तो मेरे यूआरएल का नेम भी जील फ्लावर होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम इसको सेव करेंगे, पब्लिश करेंगे, जिससे कि ये इसी यूआरएल पे मेरा पेज लाइव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कभी भी मेरे पेज पे आना हो तो आप जील फ्लावर सर्च करके आप मेरे पेज पर आके मेरी वीडियो देख सकते हैं और उस पर एक्टिविटी आप अपनी दे सकते हो। तो ये पूछ रहा है कन्फर्म कस्टम यूआरएल, हाँ। तो यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आपके यूआरएल का नेम यहाँ बता देगा आपको कि जो भी आपने कस्टम रखा है, और उसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए और पब्लिश हो जाएगा आपका ये यूआरएल। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब ये मेरा जील फॉरएवर नेम, कस्टम नेम मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक्स हैं जो कि हेडर पे दिखते हैं हमारे डैशबोर्ड के। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा है थर्ड ब्लॉग, को मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूंगा और डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे कि आपको भी नॉलेज हो और मेरा भी ज्ञान बढ़े। तो दोस्तों प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्लीज मेरे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को अच्छे से और इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।